फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ब्रिज कार्ड गेम खेलना सिखाएंगे। इस कार्ड गेम को पार्टनरशिप में खेलना होता है। टोटल चार लोग मिलकर खेल सकते हैं और पार्टनर्स आपस में आमने सामने बैठते हैं। तो दो प्लेयर्स ऐसे टीम में ऐसे बैठेंगे और दो प्लेयर्स आमने सामने ऐसे बैठेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप टीम प्लेयर्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने फिलहाल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रखा है प्लेयर्स का नाम। और इस गेम को जीतने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट्स बनाना। पॉइंट्स बनाकर ही गेम को जीता जाता है। और इस गेम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो हाथ बनाना और दूसरा बिडिंग करना, यानी कि बोली लगाना। दोस्तों, चारों प्लेयर्स में से कोई भी एक डीलर बन जाएगा और वो चारों प्लेयर्स को बराबर 13-13 कार्ड्स बांटेगा एक एक करके। 13-13 कार्ड्स बांटे जाएंगे और उसके बाद सभी प्लेयर्स चाल चलेंगे। चाल चलने से पहले बिडिंग हो सकती है, यानी कि बोली लगाई जा सकती है और उस बोली में ट्रम्प डिसाइड होगी और प्लेयर्स ये डिसाइड करेंगे कि वो कितने हाथ बनाएंगे। जो भी बिडिंग जीतेगा वो ये डिसाइड करेगा कि गेम के अंत में वो कितने हाथ बनाने वाला है और ट्रम्प कार्ड कौन सा है। अब दोस्तों, डीलर्स सभी कार्ड्स को शफल करके चारों प्लेयर्स में एक एक करके कार्ड्स बांटेगा। और ये कार्ड्स दिखाने नहीं होते, अभी तो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, अदरवाइज इनको छुपा के बांटना होता है। चारों ही प्लेयर्स को 13-13 कार्ड्स बट चुके हैं। और अब गेम जब स्टार्ट होता है तब दोस्तों सभी प्लेयर्स को एक एक कार्ड डालना होता है। अब मैं नॉर्थ हूँ, मैं डीलर हूँ, मैंने सभी प्लेयर्स को कार्ड्स बांटे हैं। तो डीलर के जो लेफ्ट साइड में बैठा है, यानी कि ईस्ट, यहाँ से गेम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ईस्ट अपना कोई कार्ड डालेगा। जैसे मान लीजिए ईस्ट ने डाला ये कार्ड, तो अब इसी साइकिल में चलती रहेगी। तो जो जिस सूट का कार्ड ईस्ट ने डाला है वही सूट का कार्ड सबको डालना है। अगर उनके पास वो कार्ड नहीं है तो वो ट्रम्प या कोई और कार्ड भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल इनके पास, साउथ के पास वो कार्ड है, इनके पास है इक्का, स्पेड का, यानी कि हुकुम का इक्का है। तो ये डालेंगे हुकुम ताकि हाथ इनका बन जाए। अब अगला प्लेयर कोई भी छोटा कार्ड डाल सकता है क्योंकि हुकुम के आगे तो कोई जीतेगा नहीं। और इनके पास है नौ का हुकुम, तो ये डालेंगे अपना नौ का हुकुम। तो देखिए, ये हाथ बन गया साउथ का जिन्होंने इक्का डाला था। तो दोस्तों, इस तरह से जिसका भी हाईएस्ट कार्ड होगा उस प्लेयर का हाथ बन जाएगा। अब इस गेम में हाथ बनाने के लिए पहले बिडिंग करनी पड़ती है। बिडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। दोस्तों, बिडिंग ब्रिज गेम में ये माना जाता है कि सभी टीम को कम से कम 6 हाथ तो बनाने ही हैं। तो इसलिए अगर किसी के 6 हाथ बने हैं तो वहाँ तक पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स मिलने की शुरुआत 6 के बाद होती है, यानी कि पॉइंट्स मिलने शुरू होते हैं 7वें हाथ से। तो 6 हाथ अगर आप किसी टीम ने बनाए हैं तो वहाँ तक पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स मिलेंगे 7th हाथ के और उसके आगे जितने भी हाथ टीम्स बनाएंगी उसके। बिडिंग में दोस्तों ये 6 हाथ काउंट नहीं होते। तो अगर किसी प्लेयर को अपने कार्ड्स देखने के बाद लगता है कि वो 7 हाथ बना सकता है या 8 हाथ बना सकता है, तो उसे टोटल नंबर ऑफ हाथ या फिर ट्रिक में से 6 को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे ईस्ट को लगता है कि वो 10 हाथ बना सकते हैं, तो वो 10 में से 6 माइनस करके बचे 4, तो 4 की बोली वो लगाएगा। तो बोली लगाते समय आपको 6 हाथ नहीं गिनने होते, 7वें हाथ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बिडिंग लगाते समय। तो अब देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं, यानी कि मैं नॉर्थ, मेरे हिसाब से मेरे पास है एक इक्का, दो गुलाम, ये मेरे सबसे बड़े कार्ड्स हैं और बाकी मेरे सभी कार्ड्स छोटे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी बोली नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे शायद 6 से ज़्यादा, पता नहीं कितने हाथ बन पाएंगे, 6 या 7। तो मैं फ़िलहाल एक ही बोली लगाऊंगी, यानी कि मैं 7 हाथ डिक्लेयर करूंगी कि मैं और मेरे पार्टनर मिलके 7 हाथ बना सकते हैं। तो और बोली लगाने की शुरुआत भी दोस्तों डीलर के अगले प्लेयर, यानी कि ईस्ट,
जिन्होंने गेम स्टार्ट किया है ईस्ट से ही होती है, और ये मैंने फिलहाल आपको एक गेम खेल के दिखाया है, लेकिन बिडिंग गेम से पहले ही की जाती है। अब इनके पास देखिए, इनके पास है एक गुलाम, एक बादशाह, एक बेगम, दो गुलाम, एक बादशाह, एक बेगम। तो इनके भी कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट हाँ इनके पास टॉप कार्ड्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये अनुमान लगाएंगे कि ये 8 हाथ बनाएंगे। तो फिलहाल ये शुरुआत करेंगे 2 से, तो ये बोलेंगे। अब दोस्तों सभी प्लेयर्स को बिडिंग के दौरान ही ट्रंप डिसाइड करनी होती है, तो बिडिंग में ही वो ट्रंप बताएंगे। अब इनके पास हुकुम यानी कि स्पेड की पत्ते सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये बोलेंगे 2 हुकुम यानी कि 2 एडिशनल हाथ ये बनाएंगे 6 के बाद, और हुकुम होगा इन हमारा ट्रम्प। तो इन्होंने 2 हुकुम पे बिडिंग करी। अब बारी आएगी साउथ की। तो दोस्तों साउथ के पास एक हाथ तो इन्होंने बना लिया है जो हम हमारे गेम में पड़ा है। तो इनके पास है 1 इक्का, 2 बेगम, 3 बेगम और 1 बादशाह। तो इनके पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं और इनके पास सब मिक्स्ड कार्ड्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी एक रैंकिंग भी बताऊंगी। यहाँ पे ब्रिज में दोस्तों हम बोली लगाते समय नो ट्रम्प भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई ट्रम्प नहीं। अगर किसी प्लेयर के पास मिक्स्ड कार्ड अच्छे आए, एक कार्ड अच्छा पान का आया है, एक कार्ड अच्छा हुकुम का आया है, एक अच्छी ईट आई है, तो वो नो ट्रम्प भी बोल सकता है, यानी कि कोई ट्रम्प नहीं, ये वो बिडिंग कर सकता है। और इसकी रैंकिंग देखिए, नो ट्रम्प सबसे ऊंचा होता है रैंकिंग के हिसाब से, और उसके बाद होता है हुकुम यानी कि पॉइंट्स मिलने के हिसाब से, और उसके बाद होता है हार्ट यानी कि लाल पान, उसके बाद होता है डायमंड यानी कि ईंट, और उसके बाद होता है क्लब यानी कि चिड़ी। तो दोस्तों ये होती है रैंकिंग। अब हम वापस आते हैं साउथ पर। तो साउथ के पास मिक्स्ड कार्ड्स अच्छे हैं, कुछ हार्ट अच्छा है, ईंट भी अच्छी है और हुकुम भी अच्छा है, तो ये बोलेंगे नो ट्रम्प, और ये बोली लगा सकते हैं 3 3 की यानी कि इनके 9 हाथ बन सकते हैं, तो ये बोलेंगे 3 नो ट्रम्प। तो इन्होंने बिडिंग लगाई 3 नो ट्रम्प। तो आपने देखा ईस्ट ने लगाई थी 2 हुकुम और इन्होंने लगाई है 3 नो ट्रम्प। अब आती है बारी वेस्ट की। तो वेस्ट के पास देखिए 2 हुकुम 2 इक्के हैं, 2 बादशाह हैं और 2 इक्के हैं। तो इनके पास भी काफी अच्छे पत्ते हैं, लेकिन इनके पास हार्ट यानी कि लाल पान के पत्ते ज्यादा हैं, तो ये बोली लगा सकते हैं लाल पान की। और इनको पता है ईस्ट इनका पार्टनर है जिसने की बोली लगाई थी हुकुम की, तो हुकुम इनके पास कम है। तो फिलहाल ये दोनों पार्टनर्स, इनको अपने पार्टनर को ये भी बताना है कि इनके पास कौन से अच्छे कार्ड्स हैं ताकि दोनों मिलकर बोली लगाएं। तो इसका तरीका यही है कि ये बोली लगाएंगे लाल पान की। तो ये, और देखिए दोस्तों बिडिंग यानी कि बोली, आपको मालूम ही होगी बोली हमेशा ऊंची लगाई जाती है। अगर किसी ने 2 की बोली लगाई है तो अगला प्लेयर उससे ऊंची ही बोली लगाएगा, नीची बोली नहीं लगा सकते, और पास भी बोल सकते हैं। सो मान लीजिए कि किसी प्लेयर को लग रहा है मेरे कार्ड्स बहुत खराब हैं, मैं कोई बोली नहीं लगा पाऊंगा, तो वो पास बोल सकता है, और इस तरह से वेस्ट लगाएगा बोली। इन्होंने साउथ ने लगाई थी 3 नो ट्रम्प की, तो ये लगा सकते हैं 4 4 लाल पान की, तो ये बोलेंगे 4 लाल पान। तो यानी कि 4, यानी कि ये टोटल बता रहे हैं कि मैं और मेरा पार्टनर मिलके 10 हाथ बनाएंगे। अब दोस्तों इनकी बारी आती है नॉर्थ की, यानी कि मेरे पास है 1 इक्का और 2 गुलाम। तो मेरे पास 2 3 अच्छे कार्ड्स हैं। दोस्तों क्योंकि मेरे पार्टनर ने ऑलरेडी 3 की बोली लगाई हुई है, तो मैं उससे ज़्यादा बोली नहीं लगाना चाहती, क्योंकि 3 यानी कि 6 प्लस 3 9, तो मैं और मेरा पार्टनर शायद 9 से ज़्यादा हाथ ना बना पाए, इसलिए मुझे पास बोलना ही ठीक रहेगा। तो मैं नॉर्थ बोलेगा पास। तो अब आती बारी ईस्ट की। तो ईस्ट ने भी, ईस्ट के पास भी इससे ज़्यादा अच्छे पत्ते नहीं है। फिलहाल गेम में 4 की बोली लगी हुई है, उनके पार्टनर ने ही लगाई है 4 लाल पान की, और उनको पता है कि मेरे पार्टनर के पास लाल पान अच्छा है, वो भी पास ही बोलेंगे। तो अब ईस्ट भी पास बोलेंगे। अब बारी आती है साउथ की। तो साउथ साउथ भी जब पास बोल देंगे तो फिर वेस्ट की बोली जीत जाएगी, यानी कि वेस्ट ने सबसे ऊंची बोली लगाई है 4 लाल पान यानी कि हार्ट। तो हार्ट हो गया हमारा ट्रम्प, वेस्ट बोली जीत जाएंगे, हार्ट हो गया हमारा ट्रम्प, और इन वेस्ट ने बताया कि वो 4
की बिडिंग कर रहे हैं, यानी कि वो और उनका पार्टनर ईस्ट मिलकर टोटल 10 हाथ बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से पूरा गेम चलता रहेगा और वेस्ट और ईस्ट को मिलकर टोटल 10 हाथ बनाने हैं। तो बिडिंग फाइनल हो चुकी है यहाँ पर। हमारा ट्रम्प है लाल पान यानी कि हार्ट, और ईस्ट और वेस्ट मिलकर 10 हाथ बनाएंगे। तो दोस्तों हम स्कोर बोर्ड भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमारा है स्कोर बोर्ड। ट्रिक पॉइंट्स, ट्रिक पॉइंट्स माने कि हाथ, जो हम हाथ बनाते हैं उसके पॉइंट्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 6 हाथ के पॉइंट्स नहीं गिने जाते, जब हमारे 7वें हाथ से पॉइंट्स गिनने शुरू होते हैं। तो 7वें हाथ के बाद दोस्तों जिसके भी, अगर हमारा मान लीजिए ट्रम्प डायमंड है यानी कि ईट है या फिर चिड़ी है, तो हाथ के पॉइंट्स 20 मिलेंगे। अगर हमारा ट्रम्प हुकुम है या फिर लाल पान है तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और नो ट्रम्प के केस में दोस्तों 7वें हाथ यानी कि 6 के बाद जो अगला वाला है उसके 40 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन 7वें के बाद जो 8वां 9वां 10वां होगा उसके 30-30 पॉइंट्स मिलेंगे हर हाथ के। तो ये है ट्रिक पॉइंट्स। और उसके बाद आता है एडिशनल पॉइंट्स। अब दोस्तों एडिशनल ट्रिक पॉइंट्स यानी कि एडिशनल जो हाथ बनाए जाते हैं, यानी कि बोली लगाते समय टीम डिसाइड करेंगी कि उन्हें कितने हाथ बनाने हैं। जैसे कि हमारी वेस्ट और ईस्ट वाली टीम ने डिसाइड किया था कि वो टोटल 10 हाथ बनाएंगे। तो अगर उन्होंने 10 से ज़्यादा हाथ बनाए, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 12 हाथ बनाए, तो 2 एक्स्ट्रा हाथ बनाए, तो उसके पॉइंट्स इस हिसाब से मिलते हैं। यानी कि अगर ईट या चिड़ी हमारा ट्रम्प है तो फिर 20 पॉइंट मिलेंगे पर हाथ। और अगर मान लीजिए हुकुम या हार्ट हमारा ट्रम्प है तो फिर 30 पॉइंट मिलेंगे। अभी फिलहाल हमारे इस गेम में हार्ट ट्रम्प था, यानी कि लाल पान हमारा ट्रम्प है। तो अगर ईस्ट और वेस्ट ने मिलकर 12 हाथ बनाए तो उनको 30 × 2 यानी कि 60 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने टीम्स डिवाइड कर दिए, नॉर्थ साउथ एक टीम है और ईस्ट वेस्ट एक टीम है। तो इस स्कोर कार्ड में उनके पॉइंट्स लिखे जाएंगे, वो जितने भी हाथ एडिशनल बनाएंगे उसके हिसाब से। तो हम वापस आते हैं अपने गेम पर। अब दोस्तों ये एक हाथ बन चुका है हमारा साउथ का। सो ये इन लोगों का एक हाथ बन चुका है। अब जीतने वाली टीम ही अगला कार्ड डालती है, वो डालेंगे मान लीजिए 7 की ईट। तो अब अगला प्लेयर इनके पास है, वेस्ट के पास ईट का इक्का, तो वो डालेंगे ईट का इक्का। और ये टीम डालेगी 2, और इस ये ईस्ट डालेगा 4। तो दोस्तों ये जो हाथ है बन गया वेस्ट का। तो इस तरह से दोस्तों हाईएस्ट कार्ड, ये गेम चलता जाएगा जब, और एक चाल में वही टीम जीतेगी जिसने सबसे हाईएस्ट कार्ड डाला है। और अगर कार्ड ना हुआ तो फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट के पास सिर्फ एक ही चिड़ी है, और अगर वो चिड़ी यूज हो गई, अगली बार उनके पास चिड़ी नहीं है, तो वो अपना ट्रम्प यानी कि लाल पान यूज कर सकते हैं। तो जिसने भी ट्रम्प डाला हाथ उसका बन जाएगा। तो इस तरह से सभी टीम्स अपने हाथ बनाएंगी। अब हम अनुमान लगा लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ ने मिलकर 11 हाथ बनाए। अब दोस्तों नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो बोली लगाते समय कि वो 10 हाथ बनाएंगे, तो ये उनकी बिडिंग है। और नॉर्थ साउथ ने पास बोला था तो उन्होंने कोई बिडिंग नहीं की थी। सो अब हम खेल के देखेंगे कि टोटल कैसे होता है। सो फिलहाल ये हाथ जीता है नॉर्थ और साउथ की टीम ने, सेकंड वाला हाथ जीता था वेस्ट और ईस्ट की टीम ने, और एक हाथ जीता है नॉर्थ और साउथ की टीम ने। तो अब वेस्ट स्टार्ट करेंगे, वो डालेंगे पान का इक्का यानी कि हार्ट का इक्का। अब उनके बाद बारी आती है नॉर्थ की, तो उनके पास है 6, वो डालेंगे 6, अगला प्लेयर डालेगा 8, और अगला प्लेयर डालेगा 7, 3। सो दोस्तों ये हाथ बन गया वेस्ट का, तो उनके 2 हाथ बन चुके हैं।
अब जीतने वाला फिर से अगली चाल स्टार्ट करता है, तो वेस्ट डालेगा, अभी उन्होंने इक्का डाला था तो अब वो डालेंगे बादशाह। तो अब देखिए हमारे अगले प्लेयर के पास कोई भी लाल पान नहीं है, लेकिन लाल पान ही हमारी ट्रम्प है और इनके पास ट्रम्प भी नहीं है, तो इन्हें कोई भी वेस्ट पत्ता डालना पड़ेगा, यानी कि कोई चार या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ इनका नहीं बनेगा क्योंकि इन्होंने ट्रम्प नहीं डाली है। तो अब देखिए दोस्तों, अगला प्लेयर डालेगा 10, उसका अगला प्लेयर डाल देगा 7। तो ये दोस्तों ये हाथ भी बन गया वेस्ट का। तो दोस्तों हमने गेम को फास्ट फॉरवर्ड करके खेल लिया है और आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि चाल में जिसके जिसका पास सबसे हाईएस्ट कार्ड है वो जीत जाता है, और जिसके पास उस सूट का कार्ड ना हो वो ट्रम्प डाल के जीत हाथ अपना बना सकता है। तो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद दोस्तों ईस्ट और वेस्ट के पास बनते हैं टोटल 10 हाथ, जितनी इन्होंने बोली लगाई थी, और नॉर्थ और साउथ ने बनाए हैं 3 हाथ। तो यानी ईस्ट और वेस्ट ने बनाए हैं 10 और नॉर्थ और साउथ ने बनाए हैं 3। तो ईस्ट और वेस्ट ने जितनी की बोली लगाई थी उतने कार्ड्स वो बना चुके हैं। सो दोस्तों ब्रिज गेम को जीतने के लिए 100 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। ब्रिज के यूजुअली 3 गेम खेले जाते हैं, उसमें से जिस टीम ने 2 गेम जीत लिए वो टीम जीत जाती है मैच और मैच ओवर हो जाता है। अब दोस्तों पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे स्कोर कार्ड के हिसाब से, यानी कि हाथ हमारा फिलहाल ट्रम्प था हार्ट, यानी कि लाल पान। अब लाल पान के मिलते हैं 30 पॉइंट्स। अब देखिए 30 पॉइंट्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया 6 हाथ तो मिनिमम बनाने ही होते हैं, अगर 6 हाथ नहीं बनाए तो कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। सातवें हाथ से ही पॉइंट्स कैलकुलेट होने शुरू होते हैं। तो इन्होंने बनाए हैं 10 हाथ, यानी कि 10 में से 6 माइनस किया जाए तो 4 बचते हैं। तो 4 हाथ के इनको पॉइंट्स दिए जाएंगे, 4 × यहाँ पे हार्ट के हैं 30 पॉइंट्स ईच, तो 4 × 30 यानी कि 120 पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे एडिशनल सूट बनाने के। सो अब दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 3 मैच खेले जाते हैं, सो अगर किसी टीम ने लगातार 2 मैच जीत लिए हैं तो उन्हें बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब दोस्तों बोनस पॉइंट्स होते हैं 700। मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट मिलकर 2 गेम लगातार जीत गए हैं तो उन्हें 700 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे एडिशनली। और इसके बाद अगर मान लीजिए 3 गेम में से पहला गेम ईस्ट वेस्ट जीता, अगला नॉर्थ साउथ और फिर अगला ईस्ट वेस्ट, यानी उन्हें लगातार 2 गेम नहीं जीते हैं, बीच में एक छोड़ के जीता है, तो उसके लिए बोनस पॉइंट्स होते हैं 500। तो 500 होते हैं अगर अल्टरनेटिव जीत है, और लगातार जीत है तो 700 पॉइंट्स मिलेंगे। सो दोस्तों जैसे कि मैंने ये भी बताया था आपको कि ब्रिज में 100 पॉइंट्स या 100 से ज़्यादा अगर बनाए हैं तो जीत होती है। अब इनके 120 पॉइंट हो गए हैं तो यानी कि विनर है हमारे ईस्ट वेस्ट टीम। तो दोस्तों आज हमने सीखा ब्रिज कार्ड गेम कैसे खेला जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन गेम है दोस्तों, इसके लिए टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो आप इस गेम को जरूर सीखिए। ये पॉइंट्स बेस्ड गेम है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम और भी वीडियोस इससे रिलेटेड डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।